प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा पूरे देश में सरकारी नौकरी के लिए एक परीक्षा आयोजित कराने का फैसला, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पूरे देश में एक परीक्षा आयोजित करेगी। इसके अलावा गन्ना किसानों के लाभकारी मूल्य को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया, साथ ही 3 और एयरपोर्ट के निजीकरण को भी मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद आज कई महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला करते हुए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA को अधीनस्थ पदों के लिए CET कॉमन एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं, इसे समाप्त करने के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था NRA अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकारी नौकरियों के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के निर्णय को लेकर कहा कि ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक सुधारों में से एक है। यह भर्ती चयन नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के कुछ वर्गों के लिए जीवन यापन में आसानी लाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य रहेगी, जिस दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश का खर्चा भी बचेगा सरकार का, और प्रदेश सरकारें भी इसको अपना सकती हैं, क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी लिस्ट रहेगी जो 3 वर्ष तक जिसकी वैलिडिटी रहेगी। एम्प्लॉयर उस लिस्ट को और सूची को देख करके ये तय कर सकता है कि उसकी अनुकूलता का कौन उम्मीदवार है। उम्मीदवार जिस अपना जो रुझान है या बेंट ऑफ माइंड एप्टीट्यूड के आधार पर अप्लाई करेगा, और दूसरे चरण में मान लीजिए उसे बैंकिंग के लिए जाना है या रेलवे के लिए जाना है, उसके लिए अप्लाई करेगा और उसका सिलेक्शन प्रोसेस वहां से शुरू होगा, सेकंड स्टेज से, ना कि पहली स्टेज से। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव विजनरी एक रिफॉर्म। केंद्रीय कैबिनेट ने एक और फैसले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। पावर सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के तहत पिछले साल के राजस्व के कार्यशील पूंजी की 25% की सीमा से ऊपर डिस्कॉम को ऋण देने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को एक मुश्त छूट देने की मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट के एक और महत्वपूर्ण फैसले में गन्ना किसानों को राहत दी गई है। कैबिनेट ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी FRP दाम 10 रुपए बढ़ाकर 285 रुपए कुंतल करने को मंजूरी दी। यह दाम गन्ने के अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले नए विपणन सत्र के लिए तय किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में गन्ने का 2020-21 अक्टूबर सितंबर विपणन वर्ष के लिए FRP दाम 10 रुपए कुंतल बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक ये बढ़ोतरी 10% रिकवरी के आधार पर है। अगर रिकवरी 9.5% या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रुपए दाम मिलेगा। जावड़ेकर ने कहा इथेनॉल भी सरकार अच्छे दाम पर लेती है। सरकार ने पिछले साल 60 रुपए प्रति लीटर के दाम पर 190 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा था। जाहिर है कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई मुख्य बिंदुओं को फोकस किया गया है। जाहिर सी बात है, एक तरफ जहां नौकरी के लिए
पूरे देश में अलग अलग परीक्षाएं देने वाले छात्रों को भारी राहत दी गई है। तो वहीं सिविल एविएशन सेक्टर और पावर सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।